मैंने सुना था कि चाय हो, चाय पिलाने वाली हो और चाय साथ बैठ के पीने वाली हो तो चाय का मज़ा डबल ट्रिपल हो जाता है। तो भाई मैंने पूछा भाई ट्रेन के बारे में कुछ बताओ, मेरे कैमरामैन ने बताया कि ट्रेन की स्पेलिंग होती है TRAIN, ठीक है ट्रेन, और फिर रेलवे की भी बता देते। तो भाई ज़िंदगी का सफ़र और ट्रेन का सफ़र दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं अगर इंसान को अकेले काटने हों। तो कराची से सियालकोट जो है वो लोग अपने प्यारों में बकरीद बनाने के लिए जा रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। तो भाई ट्रेन आ गई है, मुसाफिर ट्रेन पे जो है वो चढ़ रहे हैं, सवार हो रहे हैं। तो हमें जाना था इस्लामाबाद। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि इस्लामाबाद जाने के लिए ट्रेन को मीडियम रखना चाहिए या जो है वो फ़्लाइट को यूज़ करना चाहिए, किस में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा, किस में ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज जो है मैं आया था इस्लामाबाद जाने के लिए, मतलब मुझे जाना है, मेरी आज ट्रैवल नहीं है, थोड़े टाइम बाद ट्रैवल है। तो टिकट के लिए आया था मैं आज। तो मैंने कहा भाई जब टिकट के लिए आया हूँ तो थोड़ा व्लॉग भी यहाँ पे रिकॉर्ड करूँ, कुछ आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों को कुछ दिखाऊँ। तो देखो भाई मुसाफिर जो है, मैं कहूँगा कि ज़रा इधर दिखाओ कि भाई देखो मुसाफिर जो है वो सवार हो रहे हैं और जाने के लिए जो है वो सब तैयार हैं अपनी अपनी मंजिलों को। दुआएं भाई अल्लाह ताला से कि तमाम अपनी मंजिलों को जो है वो खैर व खैरियत से जाएँ। अच्छा देखो अब यहाँ पर ऐसा है कि हमें भी जाना है, तो मैं ये सोच रहा हूँ, कंफ्यूज हूँ कि भाई ट्रेन से जाना चाहिए या प्लेन से, तो वो भी मैं डिसाइड करता हूँ। लेकिन पहले जो है वो आओ थोड़ा सा घूमते हैं, रेलवे स्टेशन देखते हैं कैसा है और क्या क्या चीज़ें जो है वो रेलवे स्टेशन में है। तो भाई ट्रेन में आपके पास मुख्तलिफ़ क्लासेस जो है वो होती हैं, बिज़नेस क्लास हो गई, इकॉनमी क्लास हो गई, और इसके अलावा सेकेंड AC हो गया आपके पास। तो मैं जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि भाई बिज़नेस क्लास का टिकट मिल जाए ताकि यार सफ़र थोड़ा आसान हो जाए। पहले मैं चला गया था इकॉनमी क्लास में, तो इकॉनमी क्लास में बहुत मुश्किलात हैं। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि भाई इकॉनमी क्लास में ना जब ट्रेन रुक जाती है तो इतना हफ्स हो जाता है ट्रेन में कि मुश्किल हो जाता है सर्वाइव करना। तो बाकी तो बहुत अच्छा है, इकॉनमी क्लास का माहौल भी अच्छा होता है, जो है वो ईज़िली आप चले जाते हो लोगों को जो है वो देखते हुए। लेकिन जो है वो बिज़नेस क्लास ये है कि भाई ट्रेन रुक भी जाए या जो है वो स्टेशन पे रुके तो कोई मसला नहीं होता, और बिज़नेस क्लास वाली ट्रेन के स्टॉप भी कम है। तो आओ डिसाइड करते हैं कि भाई बिज़नेस क्लास सही है या इकॉनमी क्लास, कमेंट सेक्शन में बताओ। अच्छा ट्रेन में सफ़र करने की एक और खसूसियत ये भी है कि भाई ट्रेन जो है ना उसका सफ़र बड़ा जो है वो मज़ेदार होता है। प्लेन का सफ़र तो शुरू कब होता है, ख़त्म कब होता है पता ही नहीं चलता, लेकिन ट्रेन का सफ़र मज़ेदार बहुत होता है। तो भाई मैंने पूछा भाई ट्रेन के बारे में कुछ बताओ, मेरे कैमरामैन ने बताया कि ट्रेन की स्पेलिंग होती है TRAIN, ठीक है ट्रेन, और फिर रेलवे की भी बता देते। तो ट्रेन के बारे में ये बता दूँगा, बहुत सारी ट्रेन है, रहमान बाबा एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन एक्सप्रेस, और कराची एक्सप्रेस, पाक बिजनेस एक्सप्रेस, शालीमार एक्सप्रेस, कराकरम एक्सप्रेस, और इसी तरह से जो है वो अंदरूने सिंध चलने वाली भी कुछ ट्रेन्स हैं यहाँ पर। लेकिन जो ग्रीन लाइन एक्सप्रेस है ना वो प्रीमियम ट्रेन है पाकिस्तान की अब तक की। तो ग्रीन लाइन या शालीमार दो में से मैं एक की जो है वो चॉइस कर रहा हूँ। एक हमारे पास है फरीद एक्सप्रेस, वो भी अच्छी है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ ग्रीन लाइन बेहतर रहेगी, रात का सफ़र होगा, जो सुबह जो है वो जल्दी पहुँच जाऊँगा। तो जिस तरह रेलवे स्टेशन नहीं हो सकते ट्रेन के बगैर, इसी तरह रेलवे स्टेशन नहीं हो सकते, तसव्वुर नहीं किया जा सकता इन शॉप्स के बगैर, कूलियों के बगैर, और रेलवे की जो इंतज़ामिया होती है, जो मेहनत करती है उसके बगैर। तो जब भी रेलवे स्टेशन आते हैं तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर ख़ास तौर पर दिखने के लिए मिलती है, जिसमें भाई हर चीज़ आपके पास मौजूद है, बिस्किट है आपके पास, जो है वो स्नैक्स हैं आपके पास, बच्चों के खेलने की चीज़ें हैं, लूडो भी है, आप चाहो तो भाई लूडो खरीदो और पूरे रास्ते बस लूडो खेलते रहो और जीतते रहो हारते रहो। इस काम तो जाने वाली है, लेकिन हमारा दिल कर रहा चाय पीने का, और चाय का रिव्यू करते हैं कि रेलवे स्टेशन पर चाय मिलती किस तरह की है। तो अंकल जो है वो चाय बना रहे हैं, आए अंकल की चाय देखते, और ये भी देखते हैं कितने की चाय अंकल देते हैं। चलो आओ चाय लेते हैं अंकल भाई। तो ये अंकल जो है वो चाय बना रहे हैं भाई, ट्रेडिशनल तरीके से, और सबसे बड़ी बात है भाई टी वाइटनर से नहीं बना रहे अंकल चाय, अंकल चाय खालिस दूध से, और पत्ती चीनी तो वैसी खालिस होगी ही। तो मज़ेदार चाय जो है वो बन रही है, अभी हाथ में आएगी तो पता चलेगा। मैंने सुना था कि चाय हो, चाय पिलाने वाली हो और चाय साथ बैठ के पीने वाली हो तो चाय का मज़ा डबल ट्रिपल हो जाता है। तो आज तो कोई नहीं है, चाय बनाने वाली भी नहीं थी ना चाय पिलाने वाली थी, हम अकेले थे। तो अब चेक करते हैं कि चाय कैसी है, तो चेक करता हूँ क्या कितनी मीठी है कितनी नहीं है, जो हम घर में पीते हैं वैसी है या नहीं। गर्म है क्योंकि अभी अभी बनाई है, और मीठी बहुत है, चीनी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि अक्सर जो मुसाफिर होते हैं वो शक्कर ज़्यादा पीना ही पसंद करते हैं। तो समझ लो जो अगर पंजाब की चाय पिए ना आपने, मिठास वाली, जो वैसी है, होटल टाइप नहीं है लेकिन मज़ेदार है, अच्छी है। तो चलो चाय ख़त्म करते हैं फिर मिलते हैं। तो भाई ज़िंदगी का सफ़र और ट्रेन का सफ़र दोनों ही बहुत मुश्किल हो जाते हैं कि अगर इंसान को अकेले काटने हो। तो भाई कोशिश करो जब भी सफ़र करो, और सफ़र जो है ना उर्दू वाला करो, इंग्लिश वाला ना करो, ये दुआ है मेरी। तो जब भी सफ़र करो तो भाई किसी के साथ करो,
फैमिली के साथ करो, अकेले बहुत मुश्किल है भाई। मैंने एक बार करके देखा है, ना रास्ता ख़त्म होता है ना ही मंजिल आती है भाई। फिर भी सफ़र जो है वो ख़त्म हो ही जाता है अगर कोई साथ हो या ना हो, लेकिन सफ़र जो है वो आपको कुछ सिखा के ज़रूर जाता है कि भाई कितनी मुश्किलात आई, कितनी परेशानी आई, लेकिन आप चल दिए, यानी आपने सफ़र शुरू किया तो आप मंजिल तक पहुंच ही गए। अगर कभी चले ही नहीं होते, सफ़र किया ही नहीं होता, तो मंजिल तक पहुंचे होते ही नहीं। तो सफ़र करो, जो सफ़र करने से नई जगहें देखने के लिए मिलती है। मैं भी इस्लामाबाद जाऊंगा अभी, उम्मीद है भाई अच्छा रहेगा सफ़र। लेकिन अगर परेशानी आएगी, मुश्किलात आएगी, तो सीखने के लिए मिलेगा सफ़र के अंदर, और ये जो है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये ट्रेन तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गई। तो भाई बस सफ़र जो है वो यहाँ कुछ लोगों का शुरू होने ही वाला है, तो उम्मीद है भाई कि सबका सफ़र खैर व खैरियत से रहे और हमारा जो सफ़र शुरू होगा वो भी खैर व खैरियत वाला हो। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैंने जैसे पूछा था शुरू में कि प्लेन ज़्यादा बेहतर है या ट्रेन, आप लोग बताना, तो मैं कोशिश करूँगा कि शायद प्लेन में जाऊँ। ये शॉट आपने देख कर पहचान तो लिया होगा किस तरह का ये शॉट है, आपने मुख्तलिफ़ मूवीज़ में चांद नवाब का देखा होगा। अच्छा, तो भाई मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई मिलता है, जैसे मैं बाहर जाता हूँ मुझे लोग मिलते हैं, मेरी यूनिवर्सिटी में आज भी मिले, कि वो बताते हैं कि चैनल कितना अच्छा जो है उनको लगता है और कितना उन्हें फ़ायदा होता है, तो यकीन मानो दिल खुश हो जाता है। तो भाई आप सबके मोहब्बत का, आप सबके देखने का, आप सबके सपोर्ट करने का बहुत बहुत शुक्रिया और दिल से शुक्रिया। तो भाई बस ट्रेन जो है वो जाने ही वाली है और 6:30 बजे ट्रेन की रवानगी है और अभी बज रहे हैं 6:22:23, तो बस ट्रेन टाइम पर है और अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है कराची से सियालकोट के लिए। तो कराची से सियालकोट जो है वो लोग अपने प्यारों में बकरीद बनाने के लिए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये डायलॉग आपने कभी तो ज़रूर सुना होगा किसी फिल्म में, किसी मीम में। तो भाई दुआ है सबके लिए कि अल्लाह ताला इनको जो है वो खैर खैरियत से पहुँचाए। और कभी कभार जब हम लोगों को अल्लाह हाफिज़ कहते हैं ना या गुड बाय कहते हैं, तो उनको हम फ्री कर देते हैं, उनको तो खुशी मिलती है, हमें उसमें दुख होता है। तो यहाँ भी जो है वो लोग जा रहे हैं, सफ़र शुरू हो गया है, तो उम्मीद करता हूँ भाई खैर व खैरियत से जो है वो सफ़र चलेगा और अपनी मंजिल को जाएंगे। तो हम भी यहाँ पर आपसे इख्तिताम लेंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि भाई प्लेन से जाना ज़्यादा बेहतर है या ट्रेन से जाना ज़्यादा बेहतर है, और हम जो है वो कौन सा मीडियम सेलेक्ट करें अपने जाने के लिए।